हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सएल वी बी इन टू वीडियो वी आर गोइंग टू एनालाइज अ कॉम्पनसेशन ओके तो आज के वीडियो में हम बहुत छोटी से एक यू नो डैशबोर्ड बनाएंगे उसके अंदर वी विल एनालाइज द सैलरी ठीक है सो लेट मी मेक यू द अंडरस्टैंड कि डेटा है क्या हमारे पास सो हेयर वी हैव अ डेटा ठीक है ये हमारे पास डेटा है ईयर है डिपार्टमेंट है एंड डिजिग्नेशन एंड सी सी है राइट सो दिस इज़ द डमी डेटा जो कि मैंने ले रखा है तो यहाँ मैंने ईयर वाइज़ हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा भी है और हमारे करंट ईयर का भी डेटा है तो इसके अंदर हमने ये देखा कि हर एक डिपार्टमेंट में जितनी भी लोग हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर example, okay, तो मैं अगर एच फिल्टर करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ओके तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल डिजिग्नेशन है तो मुझे ऑन एन एवरेज देखनी है कि हम एच डिपार्टमेंट के अंदर ठीक है डेटा एनालिस्ट को ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी दे रहे हैं ये एक छोटा सा डैशबोर्ड यहाँ बनाया है अगर आप देखो कि मैंने यहाँ पे एच आर सेलेक्ट कर रखा है और 2024 के अंदर जो मेरी यहाँ पे डिजिग्नेशन के अकॉर्डिंग जो मेरी एवरेज सैलरी रो डेटा से निकल के आ रही है वो आ रही है फोर्टी के ठीक है मंथली बट हमारी कंपनी बजट कंपनी का जो बजट था वो था फोर्टी ठीक है इट मीन्स कि वो दो वो एक्स्ट्रा हो चुका है इट मीन्स कि हमें यहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा ये वी नीड टू वर्क ऑन दिस ठीक है हमें यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा ये ज़्यादा क्यों हो रहा है हाउ वी कैन कंट्रोल इट फर्दर जो भी एक्शन होंगे राइट right? तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करा कि ऐसे कौन से डिजिग्नेशन पे हमारी जो कंपनी की बजट से बाहर जा रही है और बाहर हम सैलरी दे रहे हैं राइट सो इट मीन्स कि यू नो देर इज़ अ लॉस ऑफ कंपनी कंपनी का लॉस होगा यहाँ पे ठीक है द कंपनी नीड टू टेक यू नो नेसेसरी एक्शन जिस टू यू नो कंट्रोल जिस टू कंट्रोल यू नो दिस अगर आप देखोगे तो ये सैलरी हमारी सीनियर मैनेजर पे वन ट्वेंटी थ्री की थी बट हमारा बजट वन ट्वेंटी फाइव के का है तो इट मीन्स कि इट्स इट इज़ ओके अभी भी हमारे पास एक परसेंट का बफर है एक परसेंट वी कैन गिव मोर ठीक है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जितनी भी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ वी नीड टू एनालाइज ठीक है एज सुन एज इफ़ आई विल चेंज द डिपार्टमेंट लेट्स आई एम सेलेक्टिंग आई टी देन आई टी में अगर आप देखोगे जहाँ पे भी हमें काम करना है जहाँ पे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा खतरा पैदा हो रहा है फॉर द कंपनी तो वो अप, वो ऑटोमेटिकली कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू वो रेड में आ जा रहा है ठीक है सीनियर मैनेजर की जो सैलरी हमने डिफाइन करी वन ट्वेंटी फाइव के है बट ऑन एन एवरेज सैलरी हम टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के अंदर दे रहे हैं वन ट्वेंटी सेवन के इट मीन्स कि यहाँ पर भी प्रॉब्लम है वी नीड टू थिंक ओके okay? और वी नीड टू हाईलाइट टू द यू नो टू द मैनेजमेंट ठीक है तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे विजुअल में भी दिखा दिया है सो so इस छोटे से डैशबोर्ड को हम आज बनाना सीखेंगे स्क्रैच से कैसे बना सकते हैं एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई ये बहुत छोटी सी एनालिसिस है बट जो माइंड है एंड जो थॉट प्रोसेस है दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके

तो यहाँ पे हमने एक हेडर बना दिया हेडर को थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं सो इट विल लुक लिटिल गुड ओके थोड़ा सा इसको और डार्क बना लेते हैं इसको डार्क कर लिया ठीक है अब यहाँ पे हमें क्या करना है यहाँ पे हमें दो ड्रॉप डाउन देने हैं ठीक है यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन एक ईयर का, का देना है और एक डिपार्टमेंट का देना है ठीक है और डिजिंगनेशन का ये क्या है यूनिक निकाल के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है दैट्स इट ठीक है तो मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पे अब देखोगे तो ड्रॉप दो ड्रॉप डाउन क्रिएट करने तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा डिपार्टमेंट पहले तो इस डेजिग्नेशन को कॉपी कर लेते हैं ठीक है समरी के लिए तो यहाँ पे हमने समरी बनानी है तो हमें यहाँ पे समरी के लिए हमने इस चीज को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया ठीक है ओके नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू, वी नीड टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन तो ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेते हैं पहले तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसको यहाँ पे देता हूँ सिलेक्शन डिपार्टमेंट सिलेक्शन डिपार्टमेंट सिलेक्शन ठीक है को हमने थोड़ा सा साइज में साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं okay. ओके तो इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे ना बाउंड्री भी हमें एक बॉर्डर देना है बॉटम में बॉटम में एक बॉर्डर देना है तो हम बॉर्डर पे जाते हैं और ये वाला बॉर्डर हम देते हैं इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं ठीक है ओके दैट्स इट हमने ये चीज़ करी अब यहाँ पे मुझे ना कलर देना है कलर देने के लिए मैं यहाँ पे कोई सा भी एक कलर ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यही ले लेता हूँ ठीक है अब आपको डेवलपर पे जाना है ड्रॉप डाउन के लिए यहाँ कॉमो बॉक्स को इंसर्ट कर लेना है ठीक है मैंने यहाँ पे बॉक्स भी ले लिया अब इसके अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल डिपार्टमेंट की रेंज चाहिए तो इनपुट रेंज में आना है जो मैंने यूनिक निकाला था यहाँ पे अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट नेम इसको आपको पूरा से सिलेक्ट करना है और इसको थ्री शेडिंग देनी है और सेल लिंक कर दो आप टी वन को ठीक है टी वन में क्या है आपका डिपार्टमेंट नेम ठीक है ये आपने कर लिया सेम इसको कॉपी करो इतना और इसको इसके साइड में पेस्ट कर दो ऐसे ठीक है इसको आप नाम दे सकते हो ईयर सिलेक्शन ठीक है इसको आप ईयर सिलेक्शन दे सकते हो इसको राइट right क्लिक करके इस पर डिपार्टमेंट का सिलेक्शन होगा तो इसको आपको क्या करना है ईयर का सिलेक्शन करना है तो ईयर का सिलेक्ट करो अब टी वन के जगह आपको यहाँ पे टी टू सेलेक्ट कर लेना है ठीक है ओके टी टू सेलेक्ट कर लेना है आपको एंड क्लिक ऑन ओके अगर आप ड्रॉप डाउन देखोगे अब तो ड्रॉप डाउन में आपकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो चुकी है इफ़ यू विल सी ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या करना है नेक्स्ट में हमें यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करनी है बट कैलकुलेशन से करने से पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये जो ड्रॉप डाउन में जो एच दिख रहा है एच का पहला लिंकिंग किससे है टी से है ईयर का लिंकिंग है आपका टी से तो टू की पोजिशन मतलब यहाँ पे एच लेके आना है मुझे वैल्यू लेके आनी है एच की जो ड्रॉप डाउन में मैंशन है वो मुझे यू में लेके आनी है तो मैं यहाँ पे इक्वल टू इंडेक्स लगाऊंगा ठीक है जहाँ से मैंने ये रेंज आई I मीन mean, जो रेंज मैंने कॉम्बो बॉक्स में असाइन करी वो मैंने यहाँ से करी तो इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा हेडर को छोड़ के और इस रो जो T1 से लिंकिंग है इसको मैं सिलेक्ट करके कोमा वन ठीक है तो आप देखोगे तो एच आर आ गया अब सेम वेद इसके साथ एयर के साथ इंडेक्स लगाओ इंडेक्स की रेंज दे दो हेडर को छोड़ के रो नंबर जो भी इसके बगल में है उसको करना है कोमा वन तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे जैसे इसको थोड़ा सा हम और इंक्रीज कर लेते हैं जैसे जैसे मेरी यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी 2022 हो गया जो ड्रॉप डाउन में होगा वही चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ठीक है अब यहाँ पे हम देखते हैं सैलरी एवरेज सैलरी इसको हमने क्या कर दिया एवरेज सैलरी कर दी ठीक है और इसके बाद हमने कर दिया कंपनी बजट ठीक है कंपनी बजट उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है अबव बजट बजट से कितने अबव हैं आई मीन कौन कौन से केसेस है ऐसे तो ये हमने इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लिया डिज़ाइन करने से पहले अब हम इसकी थोड़ी सी अच्छी बॉर्डरिंग कर देते हैं इसको और कलर हम यही ले लेते हैं कलर थोड़ा सा डार्क ले, ले लेते हैं ये वाला और सारी जगह इसको असाइन कर देते हैं और राइट तो ये हमने क्या करा सारे बॉर्डर लगा दिए इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा इसको कर देते हैं ठीक है यहाँ पे एवरेज सैलरी निकालने के लिए इक्वल टू एवरेज इफ्स लगा लेंगे और रो डेटा के अंदर जाने के बाद हम ये पूरा कॉलम सेलेक्ट ठीक है और इसके बाद ईयर सेलेक्ट ईयर में हमारा क्या है ईयर हमारा या रखा है तो इस ईयर यू टू को हमें सिलेक्शन देना है इसको फ्रीज करना है उसके बाद हमें क्या करना है आई टी इत। आई टी इट मीन्स कि डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट का सिलेक्शन देना है यू वन राइट right. उसके बाद हमें डिजिग्नेशन का देना है लास्ट क्राइटेरिया देखोगे तो आपका लास्ट ये सेल नहीं बट ये अगर अभी भी आप देखोगे और इसका जो कंपनी बजट कंपनी बजट में जो मैंने लास्ट है ये मैं कंपनी बजट ये ले लेता हूँ कॉपी पेस्ट ठीक है ये मेरा कंपनी बजट है बट यहां पे अगर देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा यू नो इंक्रीज हो रही है अगर मुझे इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना है इसको मुझे थाउजेंड में दिखाना है तो कंट्रोल वन करना है देन यू नीड टू गो इन द नंबर फॉर्मेटिंग गो इन द कस्टम प्रेस हेयर है दैट्स इट क्लिक ऑन ओके यू सी ये सारे क्या हो गए सिंगल डिजिटेड हो चुके हैं ठीक है अबो कितने हैं तो अबव के लिए आप लगाओगे यहाँ पे क्या अगर ये आपका बड़ा है इससे देन ठीक है इसको परसेंटेज में कर देंगे परसेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर देखो कितनी पॉजिटिव ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है डेटा एनलिस इट मीन्स कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा जो एवरेज सैलरी आ रहा है टू टू में जो थी वो ट्वेंटी एट के थी बट हमारा बजट उस समय ट्वेंटी सेवन के था इट मीन्स कि तीन परसेंट हम एक्स्ट्रा दे रहे थे ठीक है तीन परसेंट हम एक्स्ट्रा दे रहे थे ऑन द एज़ कम्पेयर द कंपनी बजट ठीक है सो दिस इज़ हाउ वी कैन एनालाइज़ अगर मैं टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अगर देता हूँ तो हम यहाँ पर अभी भी हम डेटा एनालिस्ट में कुछ ना कुछ कर रहे हैं बिकॉज की वन परसेंट का अभी भी, भी गैप आ रहा है और सीनियर मैनेजर में भी वन परसेंट का गैप आ रहा है तो अगर मैं इस परसेंटेज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ तो ये समझने के लिए ठीक रहेगा ठीक है तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है यहाँ पर डेढ़ परसेंट का है और यहाँ पर वन पॉइंट टू परसेंट का है

Analysis. Okay. For which year? For 2024, इन okay. इन in. in IT डिपार्टमेंट सिंपल और इस टाइटल को आप सिलेक्ट करो ऐसे इक्वल कर दो फॉर्मूले बार में जाके और यहाँ पे आप इसको सिलेक्शन दे दो That's it. इसको बड़ा कर लो और ये जो ग्रीड लाइन इसके अंदर है इसको आप हटा सकते हो ये एक्सेस हटा दो आप अब इसकी आप डिज़ाइनिंग अपने हिसाब से कर सकते हो इस पर राइट क्लिक करके फिल में थोड़ा सा इसको डार्क कर लो आप ठीक है और ब्लू वाले को इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग तो इसको येलो कर लो दिस इज समथिंग विच इज अप टू यू ठीक है इसको आप डार्क कर सकते हो इसको आप डार्क कर सकते हो ठीक है और इसकी बॉर्डरिंग हम फॉर्मेट में जाके वी विल रिमूव इट नो आउटलाइन दैट्स इट ठीक है बट अभी भी अगर आप देखोगे तो देखो ये बहुत छोटा सा एक डैशबोर्ड हमने बना दिया क्या करते हैं एक छोटा सा डैशबोर्ड बना दिया इससे हमें यह पता चल रहा है कि हम ना डिपार्टमेंट वाइज और ईयर वाइज दे सकते हैं कि टू थाउजेंड थी में हमारा क्या स्टेटस था बट यहाँ पे देखोगे ना अभी डेटा रीड करने में हमें ना कॉलम वाइज देखना पड़ रहा है बट वी वॉन्ट समथिंग कि जैसे ही मैं इस डेटा को देखूँ इस समरी को देखूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरी मेरी निगाहें सीधा उसी पर्टिकुलर लाइन पे पड़े जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी तो हेडर छोड़ के मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट करा ठीक है ऑल्ट एच एल एन करा न्यू रूल के लिए यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन यहाँ पे आपको करना है दिस अगर ये जीरो परसेंट है तो इट मींस की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है फॉर्मुलट में जाना है रेड सेलेक्ट कर लेना है फ्रांट में जाके बोल्ड और इसको वाइट कर देना है ठीक है ओके एंड ओके दे आप देखोगे तो जहां जहाँ प्रॉब्लम है वहां पर रेड हो गया मतलब वन पॉइंट वन परसेंट फाइव पॉइंट सेवन दिस इज वेरी ह्यूज ओके अगर मैं डिपार्टमेंट चेंज करता हूँ एच कर देता हूँ यू सी अपने आप ही मेरे कलर भी चेंज होते रहेंगे ऑपरेशन राइट सो दिस इज़ हाउ बट इस पर अभी डेटा लेबल नहीं दिया तो डेटा लेबल हम दे सकते हैं यहाँ से डेटा लेबल भी हम यहाँ से दे, दे देंगे ऐसे अब डेटा लेबल ये विजुअल से भी आप विजुअल आप किसी मेल पे भेज रहे हो तो अब ये पेस्ट करके कॉपी पेस्ट करके दे सकते हो इससे ये पता चल रहा है कि असिस्टेंट मैनेजर कॉम्पनसेशन एंड एनालिसिस दो हज़ार तेईस में ऑपरेशन के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की जो डेजिग्नेशन थी उसमें जो हमारा कंपनी बजट फोर्टी फोर्टी के था बट थर्टी नाइन के हमने यूटिलाइज यूटिलाइज करा इट स्टिल इट मीन्स कि कहीं कही ना कहीं हम पैसा सेव कर रहे थे लोगों को हायर करने में ठीक है सो so, ये एक कॉम्पनसेशन एनालिसिस रिपोर्ट है ऑन द बेसिस ऑफ दिस दैट वी कैन एंड द फर्दर टीम एक्चुअली टेक अ डिसीजन दैट हाउ वी कैन कंट्रोल इट राइट बट स्टिल इफ यू थिंक इन समथिंग आई लेव to explain you can uh, you guys can you know let me know in the comment box i will definitely try to emphasize something for you okay so thank you so much everyone for watching this video i hope you have liked it and i will be also attaching this file in my description box from there you can download it and you can analyze it by your own and the data you can see this is data that i have created by myself okay which is completely dummy okay on the basis of this i created these two dashboards okay Thank you so much everyone for watching this video. Thank you very much.